लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये मुद्दा है, राइट। आप देख सकते हैं एक लड़की ने यहाँ पे इंडियन सम वेस्टर्न काइंड ऑफ ड्रेस पहना है, एंड दूसरी साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गर्ल है जिसने ब्रा और इनर पहना है, राइट। आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। दूसरी साइड अगर कैमरा जूम करके दिखाया जाए सो एक लड़की ने इंडियन ड्रेस ही आप इसको बोल सकते हैं, काइंड ऑफ ड्रेस है ये। एंड दूसरी तरफ काफ़ी रिवीलिंग कपड़े हैं इसमें, आप लड़की के फोटोग्राफ्स देख के आपको पता चल गया होगा। ऑलराइट, सो देखो बॉस, मैं तो एक ट्रेनर हूँ, एक मॉनिटर हूँ, एक फिल्म मेकर हूँ, सो मैं तो ये बोलूँगा कि बॉस जैसी डिमांड होती है कैरेक्टर की वैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, राइट, फिल्मों के लिए। लेकिन आप एक आर्टिस्ट हो, अपना एक पैमाना बनाओ कि आप इस तरह के कपड़े पहनेंगे या आप इस तरह के कपड़े पहनेंगे। क्योंकि आप पिक्चर में ये लड़कियां दिख रही हैं तो लड़कियां ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी, लेकिन लड़कों के लिए भी सेम नियम लागू होता है। क्या लड़कों को रिवीलिंग कपड़े पहनने चाहिए या इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, लड़कियों को या लड़कों को, फैसला आपका है। क्योंकि देखो दोनों ही तरीक़ों से आपको काम मिलता है बॉलीवुड में, सो फैसला आपका है। आप किस तरह के आर्टिस्ट बन के उभरना चाहते हैं, आप किस तरह का टैग लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। ये मोटिवेशन वीडियो था दोस्तों, आप सुन रहे थे गुरु विपिन कुमार को। आशा करता हूँ कि आप अपना एक ब्रांड बनाएंगे, क्योंकि आप एक ब्रांड हो, आप एक प्रोडक्ट हो, और अपने सपने को साकार करेंगे। वेलकम टू मुंबई एंड वेलकम टू सक्सेस फिल्म एकेडमी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो, एक कलाकार हो, तो आपको वही करना पड़ता है जो डायरेक्टर बोलता है, वही करना पड़ता है जो प्रोड्यूसर बोलता है, लेकिन मर्यादा में रह के अगर आप करना चाहते हो और अपने मर्जी से करना चाहते हो, आपका फैसला है। दोनों ही तरीके से आप सफल कलाकार बन सकते हैं। ऐसे कपड़े पहनेंगे तो भी आप सफल बन सकते हैं, ऐसे कपड़े पहनेंगे तो भी आप सफल बन सकते हैं, फैसला आपका है। आई रिपीट वंस अगेन, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, फैसला आपका है कि आपको कैसे कपड़े पहनने हैं। लव यू ऑल, वेलकम टू मुंबई एंड वेलकम टू सक्सेस गेट फिल्म अकेडमी। मिनिमम कॉस्ट में सीखिए और जीवन में आगे जाइए। थैंक यू सो मच, लव यू।